चलिए बेटा, अपन ने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे, कौन कौन से तीन इक्वेशन थे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड फाइनली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ये तीन इक्वेशन अपन ने फाइंड आउट कर ली थी, पहले डराई की थी, फिर ये देखा था कि किस तरीके से इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। फिर से मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर एक पर्सन है, a person starts moving with 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है, अटेन करता 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को इन 20 सेकंड्स। ये क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले हमारा काम होता है गिवन को लिखना। तो गिवन इन दिस क्वेश्चन इज इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 36 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड कितना है यहाँ पर? यू इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द पर्सन। देन फाइनल स्पीड वी हैव टू बी कैलकुलेटिंग, और क्वेश्चन के अंदर अपन को दे ही रखा है, देखो ध्यान से कितना दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो अपन फाइनल स्पीड को लिख सकते हैं 9090 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास इनिशियल और फाइनल स्पीड प्रोवाइडेड है। फिर मेरे को क्वेश्चन के अंदर टाइम भी गिवन है कि कितने टाइम में इसकी स्पीड को अटेन किया जाता है, तो कितने टाइम में किया जाता है? टी इज इक्वल टू 20 सेकंड्स, तो टी इज इक्वल टू 20 सेकंड्स। ये मेरे पास टाइम भी गिवन है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कैलकुलेट करेंगे दैट व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, वी हैव टू सेलेक्ट वन इक्वेशन जिसके अंदर एक्सेलरेशन हमें नहीं पता और बाकी सारी इक्वेशन अपन, बाकी सारे वेरिएबल्स अपन को पता है। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं देखूं, फर्स्ट इक्वेशन मेरे को क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एंड इन दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू यू, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दोनों चीजें गिवन है, गिवन है। साथ ही साथ a की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो a की वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। फाइनली मेरे को t की वैल्यू भी प्रोवाइडेड है जो कि 20 सेकंड है। बट द कैच इन दिस क्वेश्चन इज, जो स्पीड मेरे को प्रोवाइडेड है दैट आर एन किलोमीटर पर आवर, इसको अपन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। और अपन ने इससे एक तरीका देखा था, वो तरीका क्या था यहाँ पर, 36 इंटू 5/18। जैसे अपन 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? मीटर पर सेकंड में। ये इससे घटा 2 टाइम्स, एंड द स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड। और व्हाट इज द फाइनल स्पीड? 90 इंटू 5/18, 18 5 90, और मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड किसको कैलकुलेट कर ली मैंने, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड को मैंने कैलकुलेट कर लिया इन मीटर पर सेकेंड। नाउ वी कैन अप्लाई दीज वैल्यूज, नाउ वी कैन अप्लाई दीज वैल्यूज इन दी कंसर्न इक्वेशन। चलिए अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरा इतना बड़ा नहीं लिख रहा, बोर्ड कवर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर मैं इनिशियल को डायरेक्टली लिख सकता हूँ, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम? t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। टाइम भी मेरे पास प्रोवाइडेड है। कौन सी इक्वेशन यूज करें? फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू t। v इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी विच इज 25, u इज इनिशियल वेलोसिटी विच इज 10, प्लस a इंटू t इज 20 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ से 10 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ये बनेगा 15, और ये 20 डिवाइड में चला जाएगा, ये बना 20 15 अपॉन 20 इज इक्वल टू a, और वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 3.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3/4 को अपन जब कैलकुलेट करेंगे बनेगा 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेरे पास फाइनल आंसर आ। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट करके देखना, यही आंसर आ रहा होगा आप लोगों का भी। 5 से काटेंगे ये बचेगा 3 टाइम्स, 5 से काटेंगे ये बचेगा 4 टाइम्स। ठीक है, 3/4 इज 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन, और वी कैन से दैट दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस क्वेश्चन। नाउ बेटा, अगर यहाँ तक बात अगर अपन को समझ में आई तो एक बार हैंड रेज करके बता दो सारे बच्चे, इफ एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट then please raise your hands everyone। वही सेम क्वेश्चन है, उसी सेम क्वेश्चन जैसे ही अपन आज भी क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं दैट हाउ टू अप्लाई दीज इक्वेशन इन डिफरेंट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, डाउट्स जो भी होंगे बेटा अपन लास्ट क्लास में, लास्ट के 5 मिनट्स में अपन डाउट्स देखेंगे। चलिए
तो यहाँ पर अब अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, विच इज 0.75। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। चलिए नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल। सेकंड पार्ट क्या बोलता है मेरे को, डिस्टेंस ट्रेवल निकाल के बताइए। एंड डिस्टेंस ट्रेवल मतलब एक्स की वैल्यू अपन से पूछ ली है, कौन सी इक्वेशन लगाए ताकि मेरे को x की वैल्यू बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो जाए, विच इज सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। कोई भी इक्वेशन अपन लगाएंगे आंसर हमारा हमेशा सेम ही आएगा, कभी भी डिफरेंट आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक ही तरीके से निकाली गई इक्वेशन है। ये भी इक्वेशन जब अपन डेराइव करते थे तो एरिया ही कैलकुलेट करते, और यहाँ पर भी जब ये वाली इक्वेशन डेराइव की थर्ड इक्वेशन, तब भी अपन ने टाइम ग्राफ का एरिया ही कैलकुलेट किया। तो दोनों ही इक्वेशन एरिया कैलकुलेशन से निकलती है, इसलिए दोनों इक्वेशन से जो आंसर भी निकलेगा वो सेम ही निकलेगा। तो यहाँ से क्या आंसर निकलता है, एस इक्वल टू मैं यहाँ लिख सकता हूँ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इज वॉट टी सॉरी 10 एंड टी इज वॉट 20। तो वी कैन राइट इट एज 10 इंटू 20 यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 0.75। 0.75 को इजी कैलकुलेशन करने के लिए मैं इसको डायरेक्टली 3/4 लिख देता हूँ, तो मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। वरना मैं इसको क्या करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा फिर मैं काटूंगा, तो वही वापस से आंसर क्या आना है, 3/4 ही आना है। तो डायरेक्टली मैंने इसे 3/4 ही लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, टाइम कितना है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे आंसर विल बी 400, आंसर विल बी 400। तो ये 4 से 400 कैंसिल हुआ 100 टाइम्स, एंड 2 से 100 कैंसिल कर देंगे 50, तो दिस आंसर विल बी एस इक्वल टू 200 प्लस 3 इंटू 5 इज 15, 150। आंसर विल बी 200 प्लस 150 इज 350 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो बेटा क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या क्या गिवन था, अपन को ये तीन इनिशियल क्वांटिटीज गिवन थी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। उससे अपन ने फिर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन, बाई यूजिंग दी फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन के बाद अपन ने सेकेंड इक्वेशन लगा के डिस्टेंस ट्रेवल भी कैलकुलेट किया, और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन हो चुका है कम्प्लीट। नाउ इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, कोई भी डाउट अगर आपको इस क्वेश्चन में आता है तो हैंड रेज करके आप बताइए, आपके डाउट को मैं लेना शुरू करता हूँ। बताओ इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, देन प्लीज रेज योर हैंड। चलिए बच्चों, आई थिंक यहाँ पर कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले बहुत सारे देखे हैं। आज तो मैंने बस एक क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए जो कॉन्सेप्ट अपन ने सैटरडे तक पढ़े थे, संडे को अपनी छुट्टी थी, आज अपन ने इसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके बारे में बात करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक बात अपन सबको आ गई समझ में, अब ध्यान से आप अपने स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेटेड रहना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस इज द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। चलिए ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट फाइनल टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा एक इस तरीके का मोशन जो कि कैसा दिखे, सर्कुलर दिखे। हमेशा याद रखना है दैट सर्कुलर मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच अ पार्टिकल एन ऑब्जेक्ट और एनीथिंग विच इज अंडरगोइंग मोशन इज ट्रैवर्सिंग ए सर्कुलर पाथ। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, आज अपन इसकी बात करेंगे। चलिए चलिए, तो ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। एक इसका पॉइंट मैंने चूज कर लिया, ये ए पॉइंट, ठीक है। थ्रू दिस ए पॉइंट एक एथलीट है जो कि सर्कुलर पाथ से कुछ सर्कल में ऐसे क्लॉकवाइज मूव करता है। ये क्लॉकवाइज मूव किया, क्लॉकवाइज 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 एंड वापस से सेम कहां पर पहुंचा, ए ही पॉइंट पर पहुंच गया। नाउ इफ दिस पार्टिकल इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ए
एंड फिनिशेस एट पॉइंट ए ओनली। अगर यहां पर जो पार्टिकल है वो ए पॉइंट से ही स्टार्ट करे और ए पॉइंट पे ही खत्म हो जाए, मतलब अपनी जर्नी को खत्म भी वहीं पे करे, तो अपन ऐसे टाइप के मोशन को, पहली बात तो ऐसे टाइप के मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आता है। Who can tell me, please raise your hand, अगर पार्टिकल ए की पॉइंट से शुरू करता है और ए पॉइंट से ही खत्म कर देता है अपनी जर्नी को, then what will be the value of displacement, please tell me। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, तो वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर मेरे से कोई यहाँ पर पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, तो मेरा आंसर क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल विल बी द एक्चुअल पाथ, विल बी द एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो भी एक्चुअल पाथ है वो कैसा दिखता है, सर्कुलर जैसा दिखता है, सर्कुलर पाथ जैसा दिखता है। तो एक्चुअल पाथ विल बी इक्वल टू 2 पाई आर विच इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एक्चुअल पाथ यहाँ पर कितना आता है, 2 पाई आर के बराबर आता है, विच इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर जो भी सर्कमफेरेंस की वैल्यू होगी दैट विल गिव द डिस्टेंस इन दिस क्वेश्चन, दैट विल गिव द डिस्टेंस इन दिस क्वेश्चन। तो हमने ये पहले भी देखा था, आज दोबारा देख रहे हैं, दैट फॉर इस सर्कुलर मोशन इफ द पार्टिकल स्टार्ट एट द सेम पोजिशन एंड फिनिशेज एट द सेम पोजिशन, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट रहेगा जीरो एंड डिस्टेंस कितना रहेगा 2 पाई आर। ये बात अपन पहले कर चुके थे, ये बात आज अपन ने दोबारा करना। नाउ यहाँ पर अपन ने यूनिफॉर्म बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और हमने एक बात पहले करी थी, दैट पार्ट, दैट सिंपल सी बात पहले से जो अपन ने करी थी उसकी उसके अपनी को क्या समझ में आता है, उससे ये समझ में आता है दैट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो स्पीड होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो स्पीड इज ऑलवेज सेम और वी कैन से दैट स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट, स्पीड हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर स्पीड हमेशा सेम है दैट मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज जीरो, बट नाउ लेट अस सी इफ द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, अगर पार्टिकल ए पॉइंट से शुरू होता है कुछ इस तरीके से, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स दिस, क्योंकि जब वो सर्कुलर पाथ पर चलने की कोशिश करेगा तो एट द इनिशियल पॉइंट, एट द इनिशियल स्टेज, द डायरेक्शन इन विच द पार्टिकल इज फेसिंग इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, दिख रहा है। कुछ देर बाद ये पार्टिकल ऐसे घूम के सर्कुलर मोशन में ऐसे फेस करने लगेगा और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो वी कैन से दैट जब ये पॉइंट यहां पर पहुंचेगा तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इस तरीके से, सही बात है। फिर अपन ने क्या देखा, आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल घूम के इस तरफ पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है, और यहाँ पहुंचने के बाद इसकी डायरेक्शन हो जाती है डाउनवर्ड। फिर जब अपन देखेंगे कुछ देर बाद ये यहाँ पहुंचेगा, उसकी डायरेक्शन ऐसे टुवर्ड्स लेफ्ट। फिर कुछ देर बाद देखेंगे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स, फिर इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर मोशन आपको याद क्या रखना, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर मोशन, आप खुद सोच के देखो, आप एक सर्कुलर मोशन में चल के देखो, आप देखोगे कि आपकी जो फेस की पोजिशनिंग है दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या करती है, चेंज करती है व्हेनेवर यू आर मूविंग इन सर्कुलर मोशन। तो याद क्या रखना है, दैट इफ द डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग दैट मीन्स द वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग। वेलोसिटी भी हर समय अलग अलग है, चेंज हो रही है। Now, why we are saying that the velocity is changing? क्यों हमने कहा ऐसा कि भाई यहाँ पर velocity हर point पे change हो रही है? ये इसलिए कहते हैं because since velocity is a vector quantity, velocity is a vector quantity and we can say that velocity, if it is a vector quantity, it depends on direction and if the direction is changing, then we can say that velocity is also changing. भाई अगर direction किसी की change होती रहेगी और उसी फिजिकल क्वांटिटी को अपन वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, तो डायरेक्शन के साथ साथ वही वेक्टर क्वांटिटी भी साथ साथ क्या करेगी,
करेगी. सो वी आर सेइंग दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग बट द स्पीड इज कॉन्स्टेंट. इफ द स्पीड इज कॉन्स्टेंट दैट वाइज दैट इज द रीजन वी आर सेइंग दैट कि ये जो पूरा का पूरा मोशन है इसको क्या बोला गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला. नाउ इफ द स्पीड इज सेम दैट इज द रीजन वी आर सेइंग दैट दिस इज यूनिफॉर्म मोशन बट द वेलोसिटी इज चेंजिंग. Why? Because at each and every point, the direction of the moving object is different. So, यहाँ तक आपको बात आनी चाहिए clearly समझ में that speed is same रहेगी but velocity is always changing. ठीक है? For a uniform circular motion. एक और छोटी सी बात करते हैं फिर अपन आगे इसका formula बनाते हैं. वो छोटी सी बात ये है कि जो भी actual path होता है whatever is the axial path covered by a moving object, जो भी axial path एक moving object cover करता है, that axial path is known as trajectory. क्या बोलते हैं trajectory भी बोल सकते हो लेकिन इसका सही correct pronunciation क्या होता है trajectory. Now in trajectory का meaning क्या होता है that if a particle is changing its position with respect to time, अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो जो भी वो एक्चुअल पाथ को कवर करेगा दैट एक्चुअल पाथ इज आल्सो नोन एज ट्रैजेक्टरी. नाउ इट इज आल्सो नोन एज ट्रैवर्स. तो किसी क्वेश्चन में आपको ट्रैवर्स लिखा दिखे या फिर ट्रैजेक्टरी लिखा दिखे ये हमेशा किसके बराबर होगा, एक्चुअल पाथ के बराबर ही होगा. इसका मतलब इन दोनों शब्द का मीनिंग भी एक्चुअल पाथ ही होगा. ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जिसमें मैं बोलूँ the actual trajectory is of 5 kilometers. So, आपको समझ में आना चाहिए that trajectory is 5 kilometers. That means the distance traveled is 5 kilometers. So, बेटा यहाँ तक कोई भी doubt आता है uniform circular motion में तो hand raise करके बताइए. If there is any doubt up to this point, then please raise your hand. फटाफट. चलिए. तो यहाँ तक अपन ने बात कर ली दैट व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहेगा, हम ओपन करते हैं. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहेगा, द स्पीड इज कॉन्स्टेंट, द स्पीड इज सेम बट द वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग. तो ये दो चीजें अपन ने यहाँ पर बात करनी. अब अपन निकालेंगे इसका फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. चलिए बात करते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लेट अस सी. In this diagram, we can clearly see that the particle is moving from or started moving from point A, and after the complete rotation, after the complete cycle, this particle again returns to point A only. So, सारी चीजों की value calculate करेंगे. पहले distance में निकालेंगे, displacement में निकालेंगे, speed में निकालेंगे और velocity में निकालेंगे. चलिए ध्यान से. सबसे पहले कोई मुझसे पूछेगा distance यहाँ पर कितना है. तो डिस्टेंस इज 2πr जो कि अपन पहले देख चुके हैं. व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन दिस क्वेश्चन. तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू जीरो. व्हाट विल बी द स्पीड. स्पीड इफ टाइम टेकन इज, इफ टाइम टेकन इज टी. अगर टाइम टेकन कितना है टी सेकेंड है तो स्पीड यहां पर कितना रहेगा. द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो वी कैन से दैट एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 2πr. सो वी कैन से दैट इट इज
2 pi r divided by time, which is t. So this is the formula for speed in uniform circular motion. So yahan par apne speed ka formula nikala. Now what will be the formula for velocity if there is a complete one revolution? Agar particle ek revolution ko complete kar le to velocity ka formula hota hai displacement upon time. Apan pehle pad chuke hain is cheez ko. So displacement upon time. If the displacement is zero for one complete revolution, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो उसी के लिए वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो जीरो. सो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज विच वी नीड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो बेटा यहाँ तक आज अपन ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट देख लिया है, जिसके अंदर सारी बातें अपन ने की, दैट व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, सारी की सारी चीजें. अगर यहाँ तक बात आ गई अपन को समझ में और कोई भी डाउट नहीं है तो एक बार हैंड रेज करके बता दो. फास्ट बच्चों, फास्ट एवरीवन. अशोक, हर्षिता, निकिता, प्रवीण, रिया, चलिए वेरी गुड. आलस नहीं करना है आपको, हैंड रेज करना है जब जरूरत हो. चलिए तो यहाँ तक अपन ने क्या देखा, यहाँ तक अपन ने स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी चीजें देख ली. नाउ लेट अस सी, लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन देखेंगे जिससे अपन को ये समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. तो आइए चलिए देखते हैं. Question says, an athlete completes one revolution, or इसको अपन बोलेंगे one rotation complete round लिखते हैं, round, one complete round of a path of radius 7 meters in 20 seconds. देखिए क्या बोल रहा है, एक एथलीट है क्योंकि एक राउंड कंप्लीट करता है रेडियस का कितना, 7 meters in 20 seconds. ठीक है, तो कैलकुलेट नंबर वन पार्ट डिस्टेंस. सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस. नंबर टू डिस्प्लेसमेंट. नंबर थ्री स्पीड एंड नंबर फोर वेलोसिटी. ये तो सारी बात अपन को करनी है किसके लिए, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के. तो द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2πr, और 2πr की वैल्यू कैसे निकलेगा, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7. So answer will be 44 meters. This will be the value of distance. Now what will be the value of displacement? Displacement का value क्या रहेगा? एक complete revolution के लिए displacement का value क्या रहता है? Zero रहता है. एक complete revolution के लिए displacement का value क्या रहता है? Zero रहता है. Now after that we have to calculate the speed. Now what is the speed? Speed is s is equal to distance upon my time. What is the distance? Distance is 44 meters. What is time? Time is 20 seconds. So directly we can calculate 44 divided by 20. This will be 22 by 10, or which is 2.2 meter per second. This is the speed of the rotating particle or rotating athlete. Finally, velocity, and velocity is displacement upon time. So yahan par apan likhenge velocity.
इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन माय टाइम. डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो, तो वेलोसिटी भी कितनी होगी जीरो, और ये सारी की सारी चीज अपन ने कैलकुलेट कर ली है फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. इसके लिए एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए अपन ने यहाँ पर सारी की सारी चीजों को कैलकुलेट कर लिया है. अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो दोबारा बताइए. गुड मॉर्निंग सर. चलिए तो हमने क्या देखना है, अगर ए पॉइंट से मुझे किस तरीके से यहाँ पर 1.5 रेवोल्यूशन पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, उस चीज की बात करनी. 1.5 रेवोल्यूशन का मतलब एक रेवोल्यूशन मतलब कंप्लीट पूरा चक्कर, 1.5 का मतलब आधा चक्कर, और तो ये घूम के फिर यहाँ पर रुक गया होगा. इसका मतलब फाइनल पॉइंट इज दिस. नाउ इनिशियल पॉइंट इज ए, फाइनल पॉइंट इज बी. चलिए व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस जर्नी, आप मुझे बताइए व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. कौन बता सकता है हैंड रेज करके बताइए. We know that one complete revolution is 44 meters. पिछले पार्ट में अपन ने निकाला था एक complete revolution पे 2 pi r distance cover होता है. तो 1.5 से कितना होगा multiply by 1.5 कर देंगे तो 1.5 revolutions का मतलब क्या होगा, 1.5 revolutions will be equal to 44 into 1.5 meters. Simple सी बात है. इसको याद है 10 डिवाइड में गया, दिस इज 3/2, 2 से ये कटा 22 एंड दिस इज 66 मीटर्स. तो फाइनल आंसर फॉर डिस्प्लेसमेंट इन दिस पार्ट इज 66 मीटर्स. किसी को भी यहाँ पर ये दिक्कत है कि सर ये 66 मीटर कैसे आया, तो एक बार रिजाइन करके बताओ. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 66 मीटर्स. कितना आया, 66 मीटर्स आया, बिकॉज इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन द डिस्टेंस इज 44 एंड इन 1.5 रेवोल्यूशन द डिस्टेंस इज 66. कैसे निकाला, 44 मल्टीप्लाई बाय 1.5 रेवोल्यूशन. अगर यहाँ 2 रेवोल्यूशन होते तो 44 इंटू 2 कर देते, 2.5 होते तो 44 इंटू 2.5 कर देता, एंड सो ऑन. तो इस तरीके से अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं. एक बार डिस्टेंस निकल गया और एक बार डिस्प्लेसमेंट निकल गया, तो स्पीड और वेलोसिटी निकालना तो बहुत ही आसान काम है. आपको बस डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है फॉर स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है फॉर वेलोसिटी, एंड द क्वेश्चन इज ओवर. तो इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अपन को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर अपन को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा दैट व्हाट इज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड एंड वेलोसिटी. नाउ इफ देयर इज एनी डाउट, बच्चों आज की क्लास में बस अपन इतना ही करेंगे. अगर कोई भी डाउट आपको निकल के आता है यहाँ तक, तो अब आप हैंड रेज करो, सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करता हूँ. अपने चैप्टर में, मोशन चैप्टर में, दिस वॉज द लास्ट लास्ट टॉपिक एंड द चैप्टर इज ओवर नाउ.